नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए सितंबर 2021 में जो आपके एग्जाम प्रस्तावित हैं अंग्रेजी विषय की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं, तो आज हम देखेंगे हमारी क्लास नंबर जो है वो 4। और आज का हमारा टॉपिक होगा प्रेपोजिशन और उस पर बेस्ड हम प्रश्नों की भी प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। तो क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि ये पूरा टॉपिक आज हम जो है आपका कवर करा देंगे। इससे पहले क्लास नंबर 3 देखी थी, साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं, तो ध्यान से चीजों को समझिएगा ताकि आपका 2 नंबर आज जो है वो पक्का हो जाए। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। कोर्स में बात करें तो ये ग्रामर पोर्शन पूरा, ग्रामर पोर्शन मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। ग्रामर पोर्शन में हमने जो टेंस है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन है वो सारी चीजें जो है वो देख ली हैं, और अब हम देख रहे हैं हमारा प्रेपोजिशन। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो है वो वीडियो। इसको पढ़ेंगे कैसे, सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रेपोजिशन के टाइप होते हैं हिंदी में उसके अंतर्गत इसकी हिंदी को हम समझेंगे, फिर हम एक पर्टिकुलर जैसे ऑन हो गया तो उसको लेकर चलेंगे, तो उस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे 10 टाइप्स होते हैं जो आपके प्रेपोजिशन के उनकी, और उसी के अंतर्गत हम देख लेंगे जो इनकी हिंदी है। मेन आपको हिंदी बताना है जिससे आप मतलब जो है वो निकाल सकें। तो सबसे पहला आपका होता है कालवाचक, इसको आपको याद नहीं रखना है, इसके अंतर्गत जो आपके आएंगे उनको आपको समझना है। कालवाचक मतलब कि जो समय से संबंधित हो। आप क्या कहें कि हमें वो प्रपोजिशन, द प्रपोजिशन गिव अस द इंडिकेशन ऑफ टाइम, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो सबसे पहले आपका इस प्रकार से आ जाएगा आगे के सेंस में आप क्या कहेंगे, अहीड, AHEAD, आगे के सेंस में। इसी प्रकार अगर बात की जाए पीछे के सेंस में तो आप कहेंगे बिहाइंड। ये कुछ इसी प्रकार की हिंदी है, इंग्लिश है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या उसका अर्थ निकल रहा है वो समझ पाएंगे, इसलिए मैं ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसी प्रकार अगर बात की जाए पूर्व की तो उसका मतलब क्या होता है, बिफोर। और इसी प्रकार अगर बात की जाए आपका बाद की तो आप कह सकते हैं इसका मतलब होता है आफ्टर। ये आपके सभी चारों किससे संबंधित हैं, ये आपके संबंधित हैं समय से, कालवाचक इसीलिए हम इनको कहते हैं। तो इनकी इंग्लिश याद रखिएगा। मैं इसी प्रकार टोटल 10 जो प्रकार हैं प्रपोजिशन के हिंदी में, कालवाचक, स्थानवाचक, उसी प्रकार सबकी हिंदी आपको बता दूंगा, फिर उसके बाद हम पर्टिकुलर जैसे कि ऑन हो गया उसको लेकर हम चलेंगे। तो ये चारों आपने देख लिए, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा आपका होता है स्थानवाचक, या आप कह सकते हैं द प्रपोजिशन गिव अस द इंडिकेशन ऑफ अ प्लेस, प्लेस बेस्ड आप कह सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से, तो सबसे पहले आप कहेंगे ऊपर के सेंस में, तो ऊपर के लिए आप यूज करते हैं अबव। इसी प्रकार अगर बात करें नीचे के संबंध में तो आप क्या कहेंगे, बिलो। इसी प्रकार आप बाहर के संबंध में अगर कहें तो आप क्या कहेंगे, आउटसाइड। इसी प्रकार अगर भीतर के संबंध में कहेंगे तो आप क्या कहेंगे, इनर साइड। इसी प्रकार पास के संबंध में कहेंगे तो आप क्या कहेंगे, नियर। इसी प्रकार पास से ही मिलता जुलता एक और होता है आपका निकट, तो उसके संबंध में भी आप नियर का यूज करते हैं। और अगर आपसे दूर लिखा हो तो आप वहां पर फार का यूज करते हैं, FAR। तो ये सभी आपके हो जाएंगे प्लेस से संबंधित। सबसे पहले हमने देखे आपके समय से संबंधित, टाइम से संबंधित, फिर हम प्लेस के। अब बढ़ते हैं तीसरे की, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट पीछे जाकर ले सकते हैं वीडियो के। तीसरा आपका है दिशा से संबंधित, दिशा को हम क्या कह सकते हैं कि डायरेक्शन, द या दिस प्रपोजिशन गिव अस द इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बेस्ड आपके कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं उनको समझिए। तो सबसे पहला तो आपका होता है सामने, तो इसकी इंग्लिश आपकी होती है इन फ्रंट। इसी प्रकार अगर बात करें और तरफ के सेंस में आपका एक यूज होता है, कहते नहीं कि मेरी तरफ वो खड़ा है या मेरी तरफ आ जाओ, तो तरफ के लिए होता है आपका टूवर्ड, TOWARD।
और तरफ से ही मिलता जुलता आपका क्या होता है, और भी होता है। कहते नहीं कि मेरी ओर आ जाओ, कुछ लोग मेरी ओर को मेरी तरफ कहते हैं कि मेरी तरफ आ जाओ, फिर कुछ लोग कहते हैं और, तो दोनों के लिए आपका टू वर्ड जो है वो यूज होता है। इसी प्रकार आपका होता है आर पार, आर पार, तो इसके लिए यूज होता है आपका अक्रॉस। इसी प्रकार आपका यूज होता है आसपास, इसके लिए आपका यूज होता है नियर बाय। ये आपका हो गया इसके लिए। और अगर केवल पार लिखाओ, आर पार की जगह केवल पार लिखाओ, तो उसके लिए भी अक्रॉस ही यूज होता है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो ये इतने होते हैं आपके डायरेक्शन बेस्ड, जो कि हिंदी में हम दिशा सूचक कहते हैं। हिंदी से थोड़ा बहुत जोड़ के मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोगों को पूरी इंग्लिश नहीं समझ में आएगी, कुछ लोगों को हिंदी से ही चीजें समझ में आती है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर मैं इसीलिए समझा रहा हूँ। ये हो गया डायरेक्शन। अब अगला होता है आपका साधन वाचक, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेशन ऑफ मीडियम। दिस प्रपोजिशन, मैं यहाँ पर पहले पहले मीडियम लिख देता हूँ, MEDIUM, इसको हम क्या कहेंगे कि दिस प्रपोजिशन गिव अस द इंडिकेशन ऑफ मीडियम। हिंदी में हम क्या कहते हैं इसे, साधन वाचक। अब देखिए इसमें क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपका होता है द्वारा, हम कहते नहीं कि मैं उसके द्वारा पास हो गया, इस प्रकार से। तो द्वारा को इंग्लिश में हम कहते हैं थ्रू, THRUGH, ये होता है थ्रू। इसी प्रकार होता है आपका बलबूते, आपने वर्ड सुना होगा बलबूते, कि मैं मेहनत के बलबूते पास हुआ, तो बलबूते का भी मतलब होता है आपका थ्रू, THRUGH। तो दोनों का ही आपका होता है इसका मतलब। इसी प्रकार मीडियम में आपका कारण भी आता है, कारण तो आप सभी जानते हैं, इसका मतलब होता है रीजन, कहते हैं कारण बताओ, रीजन बताओ। इसी प्रकार हेतु आपका होता है, तो वो आपका होता है अर्थ फॉर के संबंध में। इसी प्रकार थ्रू में ही आपका जरिए भी आता है, कि उसके जरिए मैंने काम कराया, उसके थ्रू मैंने काम कराया। ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ, इसको समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप सेंटेंस का अर्थ निकाल सकें, क्योंकि जब तक आपको सेंटेंस ही नहीं समझ में आएगा क्या क्या रहा है, तो आप कैसे उसको किसी भी फॉर्म में जो है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपके ये हो गए। एक और आपका बचा, वो होता है सहारा। सहारे के सेंस में हम सपोर्ट का यूज करते हैं, तो सभी आप जानते होंगे, SUPPU नहीं होता है, ORT होता है, सपोर्ट। तो ये आपके सभी हो गए, चार हो गए। अब देखते हैं हमारा पांचवा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पांचवा देखते हैं। पांचवा आपका कह रहा है समतावाचक। समता को हम क्या कहते हैं, तो कह सकते हैं आप इक्वेलिटी बेस्ड। तो देखिए समतावाचक में क्या है, जैसे हम कहते नहीं कि आपका वो व्यक्ति उसके समान है, तो समान के संदर्भ में आप यूज करते हैं इक्वल का, EQUAL। इसी प्रकार तरह का यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है लाइकवाइज, LIKEWISE। इसी प्रकार आपका बराबर के संबंध में भी आपका इक्वल आता है, योग्य के संबंध में आपका अपोजिट आता है, पर उसका यूज आपका इतना नहीं होता है। हाँ, तो आप ये अभी याद रख सकते हैं, जैसा कि मैंने उसके जैसा काम किया, तो इसके लिए लाइक वाइज यूज करते हैं हम। तो इतना आपके समता में काफी है। छठा देखते हैं, मैं जो केवल जब से ज्यादा यूज होते हैं उन्हीं को यहां पर लिखता हूँ। छठा होता है आपका विरोधवाचक, यानी कि अपोजिशन। तो अपोजिशन, OPPOSITION। अब अपोजिशन में आप क्या कहेंगे, तो सबसे पहले तो आप विपरीत लिखते हैं, तो विपरीत आप सभी जानते हैं अपोजिट होता है, उल्टा होता है तो वो भी आप अपोजिट लिखते हैं। तो विरुद्ध आपका जब पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा, इसमें विरुद्ध कहते हैं अपोज्ड, OPPOSED, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका इससे। तो छह हो गए, अब देखते हैं हमारा सातवां। सातवां होता है आपका हेतुवाचक, या जिसे हम कहते हैं पर्पस बेस्ड। तो पर्पस लिख देते हैं डायरेक्ट, PURPOSE। जैसे हम कहते हैं कि मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो लिए के सेंस में आप जब बात करते हैं तो होता है आपका फॉर, या
एक और यूज होता है सिवा, कि मैं उसके सिवा और कुछ नहीं खाता या उसके सिवा, तो इसके सेंस में आपका होता है सॉर्ट ऑफ। अच्छा, ये सब आपके हिंदी आपको स्पीकिंग में भी हेल्प करते हैं, आपको इन सब पता होनी चाहिए नॉर्मल नॉर्मल। तो आप जो नॉर्मल भाषा में बोलना चाहते हैं अगर इंग्लिश, तो ये सारी चीजें बेसिक आपको पता होना चाहिए, तो आपकी स्पीकिंग भी अच्छी होगी। और आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी तो अच्छी है, बात है आपके लिए। सातवां हो गया, अब बात करते हैं आठवें की। तो आठवां होता है आपका सहचर वाचक, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कॉम्पेनियनशिप कहते हैं। लेकिन स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ, COMPANIONSHIP, ये जो है वो कहते हैं। इसमें क्या आता है, जैसे साथ के सेंस में हम कहते हैं विद हो गया, आप सभी जानते हैं, या मात्र के संबंध में आप कहते हैं तो ओनली होता है, आप सभी जानते हैं। और एक भर वर्ड यूज होता है, कहते हैं जीवन भर मेहनत की, तो भर के संबंध में अराउंड का यूज होता है। तो ये सब आपके इसमें आते हैं। नवा आपका देखते हैं, नवा आपका हो जाएगा संग्रह सूचक, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीशन, COMPILATION। इसमें कैसे यूज होते हैं, जैसे कि तक के सेंस में आपका यूज होता है, तो आप क्या लिखेंगे, अंटिल लिखेंगे, या आप कह सकते हैं टू लिखेंगे। यूज आपका इसका जब तक के सेंस में भी होता है। चलिए इसके आगे मैं जब भी वर्ड यूज जोड़ देता हूँ, जब तक के सेंस में, ये आपका हो गया। एक और इसमें आता है समेत वर्ड, कहते नहीं है कि उसके समेत, तो इसका होता है इंक्लूडिंग, INCLUDING। ये आपका नवा हो गया। दसवां और देख लेते हैं लास्ट। दसवां होता है आपका तुलना बेस्ड, या कह सकते हैं कंपैरिजन बेस्ड, तो COMPARISON, कंपैरिजन बेस्ड। इसमें क्या आता है, जैसे कि हम कहेंगे अपेक्षा, तो उसके सेंस में हम तो कंपेयर का यूज करते हैं। और आप अपेक्षा की बात करें तो आगे की बात करें, तो आगे मैंने पहले ही बता दिया था कि उसको हम अहीड के नाम से जानते हैं। चलिए लिख देते हैं इसी में ही, AHEAD, या सामने के सेंस में तो इन फ्रंट का यूज करते हैं, वो मैंने ऊपर बता दिया। तो ये आपके टोटल जो है यहाँ पर 10 हमारे हो गए। तो ये बेसिक हमने सारी चीजें बता दी। अब हम क्या करेंगे, एक एक प्रेपोजिशन को उठाएंगे, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड सेंटेंस देखेंगे, जिससे आपकी समझ अच्छी जो है वो बनेगी। तो सबसे पहला हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑन, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ऑन को हम पढ़ते हैं, देखिए कैसे कैसे यूज होता है। सबसे पहले आपका यूज होता है इसका ऊपर के संबंध में, कि आपसे अगर साधारण से अर्थ की बात करें तो के ऊपर के सेंस में इसका अर्थ ही निकलता है। और आप कैसे कह सकते हैं कि जब जो है कोई वस्तु, जैसे आपकी ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर कोई बुक रखी हुई है, तो ये टेबल जो है इस बुक से टच हो रही है। हो रही है टच, बिल्कुल हो रही है। तो जब कोई चीज टच करे तो हम उसके सेंस में ऑन का यूज जो है वो करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि माई बुक इज ऑन द टेबल, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर ऑन यूज होगा, माई बुक इज ऑन, मैं वहां पर यूज कर रहा हूँ, वहां पर ऑन की जगह आपका ओवर, इनटू, या इस टाइप की और चीजें नहीं होंगी। ये आपका होता है पहला तरीका। देखिए अलग अलग सिचुएशन होती हैं, एक ही नहीं होता है कि आपने इतना रट लिया और आपका हो गया ऑन ही हर जगह लगेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा मैं और एग्जाम्पल इसी का बता देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि माई पेन इज ऑल्सो ऑन द टेबल, अब सेंटेंस को और मैं आगे ऐड कर रहा हूँ तब भी वहां पर ऑन का यूज हो रहा है। तो आपने ये चीज पहली कंडीशन में देखी, जब आपकी जो दो चीजें हैं वो कोई टच हो रही हो, तो वहां पर हम इसका यूज, ऑन का यूज करते हैं। दूसरा आप कैसे समझ सकते हैं, दूसरी कंडीशन अगर बात करें, तो आप कहेंगे कि अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट ऑन अ बिगर वन, यानी कि किसी बड़े वस्तु पर किसी छोटी वस्तु का होना। जैसे आप देख रहे हैं टेबल आपका एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, बिग ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर बात करें आपका कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है, तो उस सेंस में भी आपका यूज होता है। क्या यूज होता है, यही ऑन, ये आपकी होती है दूसरी कंडीशन। जैसे मैं आपसे कहूं पेन इज
केप्ट ऑन द टेबल यानी कि पेन टेबल पर रखा हुआ है। इसी प्रकार और एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो रोहित हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं कि रोहित इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। तो अब यहां पर आप देखिए सारी दोनों चीजें, दोनों कंडीशन लगा के देखिए, एलिफेंट और रोहित के बीच में दोनों चीजें टच हो रही हैं क्योंकि रोहित उस एलिफेंट पर बैठा है। आप कहेंगे हो रही हैं, तो आप कहेंगे वहां पर ऑन लगेगा, रोहित इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई बिग ऑब्जेक्ट है, एलिफेंट आपका बिग ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर रोहित छोटा ऑब्जेक्ट है, उस पर बैठा है, तो वहां पर आपकी ये शर्त फिट बैठ रही है। अब तीसरी शर्त की बात करते हैं। तीसरी शर्त आपकी होती है समय के संबंध में। जैसे मैं आपसे कहूं कि डे हो गया और डेट हो गया, तो इसके साथ भी आपका ऑन का ही यूज होगा। जैसे मैं संडे को गया तो मैं क्या कहूंगा, आई वेंट ऑन संडे। या इसी प्रकार अगर तारीख को लेकर कहूं तो मैं कहूंगा कि वो 29 सितंबर 2020 को आया, आज की तारीख। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, ही केम ऑन 29 दिसंबर 2020। तो वहां पर भी आप देख रहे हैं ऑन, तो आपने क्या देखा, डे और डेट के विषय में भी आपका ऑन यूज होता है। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह यूज होगा, जैसे यहाँ पर भी मैंने जो कंडीशन बताई वो ऐसा नहीं हर जगह यूज होगी। आपको सेंटेंस पढ़ना है, सेंस निकालना है, उसके बाद अपने नियम पुट करने हैं कौन सा होगा, उसके आधार पर आपका होगा। एक और आपका इसी के संबंध में नियम होता है, चौथा, वो होता है आपका तरफ के संबंध में, या किसी तरफ की जब हम बात करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ हिंदी में कि के तरफ के संबंध में। जैसे मैं कहूँ आपसे कि मैं दाईं ओर खड़ा था, तो इंग्लिश में क्या कहूंगा, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट। तो ऑन का यूज हो रहा है तरफ के संबंध में, आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा है। इसी प्रकार सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, एक सेंटेंस यहां पर भी मैं लिख देता हूं कि आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट। अब इसको हम क्या कह देंगे, डायरेक्शन चेंज कर दी, तो मैं बाईं ओर खड़ा था, अब ये आपका हो जाएगा। अब यहां पर भी और की तरफ के सेंस में आ रहा है। अब देखिए के तरफ मैंने बताया था आपको, जो स्टार्टिंग में हमने अलग अलग मीनिंग देखे तो उससे आप समझ सकते हैं। बाकी आपको ये चार इस प्रकार से पता होना चाहिए कि जो ये चार शर्तें हों वहां पर आपका ऑन जो है आपका लगेगा। बाकी एग्जांपल भी मैंने बता दिए, ऑन आपका खत्म हुआ, देखते हैं हमारा दूसरा वीडियो। इसके अलावा समझ में आ रही हो, सारी चीजें पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक आप सभी लोग अवश्य ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा। आप ही के लिए दिन रात मेहनत की जा रही है, जितने ज़्यादा आप लाइक करते हैं उतना ही मेरा भी मन लगता है कि मैं आपको और अच्छे से अच्छे चीज़ें बता सकूं, और वैसे भी आप लोग लाइक कर देते हैं। बाकी जो लोग नए हैं उनके लिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे मेरे छात्र हैं जिनको मैं कभी कहता नहीं हूँ, वीडियो शुरू करने से पहले ही पहले लाइक होते हैं, वो समझते हैं कि मैं उनके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। बाकी हैं, चलिए दूसरा क्या है, ओवर देखते हैं हम। अच्छा, ऑन से संबंधित आपका अपॉन होता है, अपॉन को देख लेते हैं ताकि दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। अपॉन की बात करते हैं। अच्छा, यहां पर मैंने ऑन टू नहीं लिखा, तो अपॉन के साथ एक चीज और मैं लिख देता हूं, ऑन टू, ओ एन टी ओ, इसका भी यूज किया जाता है। अब देखिए बात करते हैं कहां होता है, तो आप कहेंगे कि जब पर के सेंस में, तो सबसे पहले यूज किया जाता है कि हम बात करते हैं जैसे इन और ऑन की, तो पर के सेंस में यूज होता है। पर कंडीशन ये हो सकती है कि जब गति की बात हो, मोशन की बात हो, जैसे मैं आपसे कहूं कि द कैट जम्प्ड डैश टेबल। अब यहां पर जो कैट है वो टेबल पर जंप कर रही है, तो मोशन हो रहा है, जो बिल्ली है वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है, तो यहां पर आपका पर के सेंस में अपॉन आएगा। बात को समझिए, ऑन भी पर के सेंस में ही आता है, पर वहां पर मोशन की बात नहीं की जाती है, किसी भी प्रकार की गति की बात नहीं की जाती है, तो इसलिए यहां ऑन नहीं आएगा, अपॉन आएगा। तो
दो मैं क्या कहूंगा, बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी या द कैट जम्प्ड अपॉन टेबल। इसी प्रकार और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एक मकड़ी मेरे सिर के ऊपर गिरी, मैं क्या कहूंगा, अ स्पाइडर फेल, फेल मतलब होता है गिरना, अपॉन माई हेड। तो ये आपके इसी प्रकार के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि एक तोता पेड़ पर बैठ गया, तो मैं क्या कहूंगा, अ पैरट सैट अपॉन द ट्री। अब यहां पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्या, मैंने, चलिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि अ पैरेट सैट अपॉन द ट्री, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक तोता पेड़ पर बैठ गया। अब यहां पर तो गति आपको समझ में कैसे आ रही है कि तोता जो है वो वहां पर तो बैठ गया पर आया तो उड़कर ही है, यानी कि गति के मोशन से होकर आया है। यही चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि गति से होकर आया फिर उस पर बैठ गया, तो वहां पर भी आपकी गति हो रही, तो वहां पर भी आपका अपॉन ही आएगा। जब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पर अपॉन जो दे रखा है, यहाँ पर डैश दे रखा होगा, खाली जगह दे रखी होगी, आपको फिल करना होगा। तो ये आपकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, वो गतिशील होकर एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि कोई एक स्मॉल ऑब्जेक्ट जो है इस पर से एक कोई बड़े ऑब्जेक्ट पर आपका गतिशील होकर आ जाता है, ये भी आपकी एक शर्त के अंतर्गत ही आती है। समझिए, जैसे जैसे बिल्ली जो है वो कूद कर टेबल पर आ गई, तो बिल्ली आपका एक कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर किसी चीज को नहीं लेना है, जो बिल्ली की बात की जा रही उस स्मॉल ऑब्जेक्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये कूद कर किसी बड़े ऑब्जेक्ट पर आ गई है, बाकी पहले वो कहाँ थी वो परिभाषित नहीं किया जाता है। तो आप यही कहेंगे कि कोई स्मॉलर ऑब्जेक्ट कूद कर बड़े ऑब्जेक्ट पर, और अधिकतर सेंस इसमें ऊंचाई का ही निकाला जाता है कि ऊपर की दिशा में गतिशील होकर एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाए, तो वहां पर भी आपका अपॉन यूज होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आई जम्प्ड, अच्छा जम्प्ड वाला मैंने करा दिया, तो थोड़ा सा बदल देते हैं, क्या होगा, एक ही जैसे सब एग्जाम्पल हो जाएंगे तो आपको वेरिएशन नहीं समझ में आएगा। तो जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाई इट्सेल्फ। और यहां पर जो अपॉन दे रखा है, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स लिखा होगा। सेंटेंस आपका है, ब्रूम केम डैश द टेबल बाई इट्सेल्फ। मतलब क्या है इसका, ब्रूम मतलब होता है झाड़ू, झाड़ू जो है वो अपने आप टेबल पर आ गया। टेबल लिखा है ना, अपॉन द टेबल बाई इट सेल्फ, अपने आप से। अब समझ में आपको आ रहा है कि जो मैंने स्टार्टिंग में हिंदी बताई थी इट सेल्फ इन सब की, वो कैसे यूज होगी, आप इस सेंटेंस का अर्थ निकालेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे कि सेंटेंस क्या कह रहा है, तभी तो आप यहाँ पर समझेंगे कि जो आपका एक छोटे ऑब्जेक्ट से छोटा ऑब्जेक्ट कोई बड़े ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, तो यहाँ पर आपका अपॉन जो है इसीलिए आ जाएगा। और ये जो मैंने सेकंड वाला ऑन टू लिखा था, इसकी अगर बात करें तो इसका भी यूज पर के ही सेंस में होता है, आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाता। मैं एग्जाम्पल में कह दूं, जैसे कि आम पेड़ के ऊपर से गिरा, तो आप क्या कहेंगे, द मैंगो फेल ऑन टू द ट्री, इस टाइप की चीजें होती हैं। या मैं कहूँ कि मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया, तो आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स, इस प्रकार से एग्जाम्पल होते हैं, पर आपसे ही ज्यादा नहीं पूछा जाता। अपॉन और ऑन खूब पूछा जाता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा, बता मैंने ऑन टू भी दिया है ताकि कोई चीज आपकी छूटे ना। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, जो कि है आपका ओवर। यहाँ पर नंबर मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ओवर, आपका जो है वो नेक्स्ट प्रपोजिशन हो जाएगा। अब ओवर की बात करें तो इसका किस सेंस में आता है, तो इसका भी सेंस वही होता है, ऊपर के संबंध में, के ऊपर के संबंध में। यूज की अगर बात करें तो सबसे पहली कंडीशन इसकी होती है कि बिना छुए हुए, इसका इस्तेमाल के ऊपर बिना छुए हुए के अर्थ में होता है। तो मैं पहले में विदाउट टच लिख देता हूं ताकि ताकि कीवर्ड से आपको समझ में आता रहे। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें कि कैसे, तो आप क्या कहेंगे, मैं रस्सी के ऊपर से कूदा, तो आप यहां पर आप क्या लिखेंगे, आई जम्प्ड डैश
द रोप। अब आपको यहां पर फिल करना है। तो मैंने क्या बताया कि जब विदाउट टच की बात करें, जैसे रस्सी होती है इस प्रकार से आपकी होती है, कोई आता है तो इस साइड से कूदता है, ये तो आपकी 3D में यहां पर नहीं बन पाएगी, तो इसी के ऊपर से कूदा जाता है, तो हम क्या कहेंगे, आई जम्प्ड डैश द रोप, मतलब ओवर द रोप। समझ रहे हैं आप कि जब बात की जाए ऊपर से बिना छुए हुए, तो अबव विदाउट टच के सेंस में इसका यूज होता है। इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि देयर इज अ रूफ ओवर अवर हेड्स, कि मेरे या हमारे सिर पर एक छत है, तो सिर जो है इस प्रकार से उसके ऊपर तो छत होगी आपकी, तो इसके सेंस में हम बोलते हैं कि देयर इज अ रूफ ओवर अवर हेड्स। आप यहां पर ऐसा तो है नहीं कि सर से छत छू रही है, नहीं छू रही है, तो उसी सेंस में हम इसका यूज करते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन की बात करें तो क्या कह सकते हैं आप कि इसका इस्तेमाल जो सभी जगह है उसके अर्थ को बताने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो क्या कहूंगा, जैसे कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल डैश द वर्ल्ड, ये आपका सेंटेंस होगा। अब यहां पर मैंने क्या सेंस बताया आपको, सभी जगह, यानी कि जो भाषा है अगर आप इसकी हिंदी निकालेंगे सेंटेंस की, कि अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, सभी जगह बोली जाती है, तो उस सेंस में भी आपका ओवर का यूज होता है, यानी कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। समझ रहे हैं आप कि किस प्रकार से आपके सारे रूल यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको भैया करना है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, कथा कहानी की तरह यहाँ देखेंगे, कुछ भी दिमाग में नहीं रहेगा। जब पेपर में आता है तो सब एक जैसा लगता है, क्योंकि देखिए पर के सेंस में ये आपका ऑन भी होता है, ओवर भी हो रहा है, तो सब जब एक ही जैसे होंगे, जब पेपर में आएगा तो सब एक ही जैसा आपको लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए और ये जो रूल बताए जा रहे हैं इनको अप्लाई कीजिए, तब आप कैसे भी घुमाकर प्रश्न पूछे जाए आप आसानी से कर लेंगे। एक और यहाँ पर रूल लगता है, पहला रूल विदाउट टच, दूसरा सभी जगह के सेंस में, और तीसरा होता है आपका से अधिक के सेंस में। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो क्या कह सकता हूं कि जैसे राहुल 50 उम्र से अधिक है, या हम कहें इंग्लिश में कि राहुल इज ओवर 50, तो आप समझ रहे हैं कि से अधिक के भी सेंस में है, राहुल और इज और डैश 50। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप फिल कीजिए क्या, प्रेपोजिशन फिल कीजिए, तो आप क्या कहेंगे, से अधिक के सेंस में भी होगा तो ओवर यहाँ पर भी आपका हो जाएगा। तो ये आपके तीन कंडीशन होते हैं किसकी, ओवर की। सेंटेंस भी मैं साथ में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखते हैं हमारा अगला, यानी कि विद इन, WITHIN, ये आपका क्या है, विद इन। विद इन की अगर बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, समय अवधि जो है उसके जब अंदर की बात की जाए, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, समय अवधि जो है इसके अंदर की बात की जाए, या इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे कि विद इन अ टाइम पीरियड, ये आपका हो जाएगा। इसी को आप दूसरे सेंस में भी कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल समय के खत्म हो जाने से पहले के अर्थ को बताने के इस्तेमाल में होता है। एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहूं तो क्या कह सकता हूं, आई कैन रन 1 किलोमीटर विद इन 5 मिनट्स। चलिए एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख भी देता हूं, एग्जाम्पल आपका जैसे हो जाएगा, आई कैन रन 1 किलोमीटर विद इन 5 मिनट्स। अब अगर इसकी हिंदी की बात करेंगे तो क्या निकलेगी कि मुझे 1 किलोमीटर दौड़ने में 5 मिनट से भी कम समय लगता है। तो मैंने क्या बताया आपसे कि समय के खत्म हो जाने से पहले के अर्थ को बताने के लिए या समय अवधि के अंदर के समय को बताने के लिए हम यूज करते हैं
विदिन का, तो यहाँ पर विदिन जहाँ दे रखा है यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछा होगा और आपको बताना होगा। और क्या हम एग्जाम्पल कह सकते हैं, तो आप और एग्जाम्पल इसी प्रकार से बना सकते हैं, जैसे कि आई विल कम विद इन 5 मिनट्स। अब बहुत बार कहते हैं कि मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा, तो बस वही आपका यहाँ पर विद इन यूज होगा, आई विल कम विद इन 5 मिनट्स, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। और समय चेंज करके बहुत से एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मैं 5 घंटे के अंदर वापस आऊंगा, आई विल कम बैक विद इन 5 आवर्स। इसी प्रकार दिन में भी कह सकते हैं, दिन के सेंस में कि ही हैज कम बैक विद इन जस्ट 2 डेज, यानी कि वो 2 दिन में ही वापस आ गया है। या कह सकते हैं कि आई विल कम होम विद इन 2 मिनट्स, मैं 2 मिनट के अंदर पर, या मैं 2 मिनट के अंदर घर आ जाऊंगा, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। यही आपकी एक इसमें विदिन में शर्त होती है। तो जो मेन मेन पॉइंट है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ज्यादा खिचड़ी नहीं पका रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मैं बता बहुत सारी चीजें दूँ फिर आपको समझ में कुछ ना आए। तो जो जो पॉइंट्स आप समझ सकते हैं पेपर में कर सकते हैं, उन्हीं उन्हीं को लेकर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देख लेते हैं एक और हम, फिर उसके बाद बाकी बचे जो है वो हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो इसलिए आपका लास्ट देख लेते हैं, देन देख लेते हैं। तो देन में एक ही आपकी शर्त होती है, क्या होती है, जब बात की जाए कंपैरिजन या तुलना की, तो हम कह सकते हैं तुलना के लिए प्रयोग होता है, या यूज्ड फॉर कंपैरिजन आप कह सकते हैं, COMPARISON। एग्जाम्पल की बात करें तो मैं क्या कहूँ कि कोई सेंटेंस ले लीजिए, मैं तुमसे बेहतर हूँ, कोई कह रहा है तो आई एम बेटर देन यू, तब तुलना की बात हो रही है। मैं एग्जाम्पल एक लिख भी देता हूँ कि आई एम बेटर, यहाँ पर डैश दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा बताइए यहाँ पर क्या फील होगा, तो आप क्या कहेंगे, कंपैरिजन की बात की जा रही दो लोग की, मैं तुमसे बेहतर हूँ, तो बेटर देन यू आपका हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे हम कह सकते हैं वी आर टॉलर डैश ही, अब यहाँ पर भी कंपैरिजन की बात की जा रही कि जो है हम उससे जो है वो लंबे, तो जब कंपैरिजन की बात की जाए तो आप क्या फील करेंगे, देन, यानी कि यहाँ भी हो जाएगा वी आर टॉलर देन ही, यानी कि हम उससे लंबे हैं, ये इसका अर्थ जो है वो निकलेगा। तो यही मेन इसमें होती है शर्त आपकी, तो याद रखिएगा, बाकी और भी बहुत से हैं उनको सीरियल से जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी, तो अगर केवल अर्थ की बात करें इनका तो किसके सेंस में होता है, आप कहेंगे मे के अर्थ में इसका अर्थ होता है, इनके अर्थ में। अब सेंटेंस में अगर बात करें तो सबसे पहला आपका हो जाएगा समय, यानी कि टाइम के जो है वो संबंध में, सबसे पहला समय। जैसे मैं आपसे कहूं कि आई वॉज बॉर्न इन अप्रैल, मैं जनवरी में जो है वो पैदा हुआ था, तो वहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, इन का यूज कर रहे हैं समय के संबंध में। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लिख भी देता हूँ, आई वॉज बॉर्न डैश जनवरी, नहीं अप्रैल, क्योंकि मेरा बर्थडे होता है 17 अप्रैल को, इसलिए मैंने चलिए अप्रैल लिख दिया। तो यहां पर आप क्या फील करेंगे, इन फील करेंगे, मैंने आपसे क्या कहा समय के संबंध में, और मे अर्थ निकल रहा हो तब आपका इन यूज होता है। और किस किस प्रकार से हो सकता है, तो आप जैसे कहेंगे समय के अर्थ में ही आपका हो, क्या हो सकता है, तो इन 2 ईयर्स, जैसे हम कहते हैं इन 2 ईयर्स, तो ये भी यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, 2 साल, यानी कि समय की बात की जा रही है। और हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि इन 1 डे, तो हम क्या कहेंगे कि 1 दिन में, यहाँ पर भी देखिए समय की बात की जा रही है। या हम कह सकते हैं इन कोई भी ईयर ले लीजिए, 2006, तो इन 2006, यानी कि 2006 में, इसी प्रकार 2012 में। और क्या हो सकता है समय के सेंस में, तो आपके अलग अलग होते हैं समर्स विंटर्स, तो आप क्या कह सकते हैं इन समर्स, SUMMERS, यानी कि गर्मियों में। इसी प्रकार सर्दियों के लिए हम क्या कहेंगे इन विंटर्स, यानी कि सर्दियों में। और एक ही पर्टिकुलर डे की अगर बात करें, तो जैसे कि सुबह शाम हम यूज करते हैं, तो इन मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग आपका ज्यादा सही होगा, इन द मॉर्निंग, तो आपका क्या आ रहा है यहाँ पर, सुबह में। या इसी प्रकार इन द इवनिंग, यानी कि शाम
में। आपने समझा कि किस किस प्रकार से समय के अर्थ में ही इसका अलग अलग जगह जो है वो यूज हो सकता है। इसी प्रकार जैसे कि आपका मंथ के लिए यहाँ पर भी यूज हुआ है, तो मंथ भी आपका एक समय दर्शाने के लिए होता है, इन जनवरी इन मार्च, तो ये ध्यान रखिएगा। ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। तो दूसरी कंडीशन आपकी क्या होगी, जब किसी बड़े बड़ी जगह की बात की जा रही हो, चाहे वो कोई देश हो गया या कोई शहर हो गया, तो हम क्या कहेंगे, विद लार्ज प्लेसेस, विद लार्ज प्लेसेस। अब इसमें हमारा कंट्री भी आ सकता है, कोई कंट्री का नाम हो गया, या आपका सिटी भी आ सकता है, या आपका टाउन आ सकता है, तो ऐसे ही एक्सेट्रा बहुत सी चीजें आ सकती हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि आप क्या लिखेंगे, इन लंदन, तो ये आपका इसी के अंतर्गत आ गया, या इन दिल्ली आप लिखते हैं, आई लिव इन दिल्ली, इस टाइप से, तो आपका ये भी इसी प्रकार आ जाएगा। तो ये आपने देखा किसमें, लार्ज प्लेसेस के संबंध में, पहला हमने देखा था समय के संबंध में। अब देखते हैं जो हमारा एक्चुअल यहाँ पर मतलब था, यानी कि मे, जो मैंने बताया था इन मे के अर्थ में आता है, तो किसी वस्तु के अंदर के संबंध में अगर आए तब, इसको मैं सब डिलीट कर देता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्या कहेंगे हम तीसरा, कि किसी वस्तु या इन सम ऑब्जेक्ट, आप लिख सकते हैं इन सम ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि आप क्या कहें कि इन जग, यानी कि जग में, इसी प्रकार इन मोबाइल, या इसी प्रकार कह सकते हैं इन बुक। तो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात की जा रही हो और उसके अंदर, जैसे किताब के अंदर हम पढ़ते हैं, ऐसा तो है नहीं किताब पर पढ़ रहे हैं तो किताब झांकने का काम, तो इस प्रकार से जो सेंस निकलता है उसको ध्यान देते हुए आपको ये कंडीशन याद रखनी होगी। अब क्या करते हैं हम इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल ही आपको मेन समझने हैं, क्योंकि जो प्रश्न आपके आते हैं वो एग्जाम्पल बेस्ड ही जो है वो आते हैं। वी हैव रीड इट, फिल इन द ब्लैंक्स, बुक। ये आपका हो गया। कहने का मतलब क्या है, हमने या किताब में पढ़ा जो है वो है, ये आपकी इसकी हिंदी हो जाएगी। इसी प्रकार एक और सेंटेंस लेते हैं, जो ऊपर हमने अभी देखे थे प्लेस के संबंध में, उस पर बेस्ड है। जैसे मैं आपसे क्या कहूँ, ही विल स्टडी डैश अमेरिका। अब यहाँ पर आपको फिल करना है, तो ये आपका प्लेसेस के संबंध में हो गया था। और समय के संबंध में मैं एक और देख लेता हूँ, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, आई विल लीव डैश हाफ एन आवर। तो ये देखिए आपके तीन हैं, आप देखिए इसको समझिए और खुद से जो है वो फिल कीजिए। सबसे पहला कह रहा है कि वी हैव रीड इट डैश बुक, तो आपका सेंस अर्थ का क्या निकलेगा इस सेंटेंस का, कि हमने, वी मतलब हमने, हैव मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि आपको हेल्पिंग वर्ब सभी पता होने चाहिए कहाँ किसमें जो है वो लगती है। तो वी हैव रीड इट, यानी कि हमने या किताब में पढ़ा था, सेंस निकलेगा। तो यहाँ पर बुक्स में पहले क्या आएगा, इन आएगा, इन बुक। और मैंने क्या बताया था आपको कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर बात की जाए, जैसे यहाँ पर जो पुस्तक है इसके अंदर की बात की जा रही है, इन जग, इन बुक, इन मोबाइल, तो आपका क्या आता है, इन आता है, पहला आपने देख लिया। तो दूसरा, ही विल स्टडी डैश अमेरिका। अब स्थान के संबंध में मैंने आपसे क्या कहा कि बड़ी जगह के संबंध में आता है, जैसे कोई देश हो गया, कोई शहर हो गया आदि में, तो यहाँ पर आपका अमेरिका यूज हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ही विल स्टडी इन अमेरिका। तो आपका ये भी आपको समझ में आ गया होगा, अर्थ क्या होगा कि वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा। यहाँ पर विल लगा हुआ है, फ्यूचर की बात की जा रही है, यानी कि करेगा।
तीसरा आपका क्या है, आई विल लीव डैश ऑफ हाफ एन आवर। अब यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, समय के संबंध में, जिसमें मैंने आपको बताया था इन 2006 हो गया, इन 2012 यानी कि इस प्रकार से हो गया, या कह सकते हैं समय की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हाफ एन आवर लिखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, आई विल लीव इन हाफ एन आवर। तो ये आपका जो है वो हो जाएगा, हिंदी आप क्या कहेंगे कि मैं आधे घंटे में जो है वो निकलूंगा। निकलूंगा मतलब फ्यूचर की बात की जा रही है, विल यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है जो कि आपका फ्यूचर को डिनोट करती है। इसीलिए मैंने जो सबसे पहला टॉपिक था उसको टेंस ही जो है वो चुना था, मैंने टेंस इससे पहले की पहली क्लासेस में पूरा फिनिश कर दिया था ए से लेकर जेड तक, जैसे जैसे वहाँ से चेंज करने को पूछा जा सकता है, जो जो आपको याद रखना है ताकि आप ये सब चीज़ें समझ सकें। अब ऐसे में आपसे कहता विल क्यों निकलूंगा, उसका अर्थ निकलेगा तो आपको नहीं समझ में आता, तो यहाँ पर आपका तीसरा भी हो गया। तो हमने किसको समझा, इन को समझा। अब इन से ही संबंधित या मिलता जुलता एक और होता है, वो होता है आपका इनटू। अब हम देखेंगे इन में के सेंस में ही जो है वो निकलता है। इसमें और पहले वाले में अंतर आपको समझना है, तो बस एक मेन पॉइंट आपको याद रखना है, वो है गतिशील जिसे हम कहते हैं मोशन, वो आपका किस में होगा, वो आपका इनटू में होगा। चलिए ब्रैकेट में मैं गतिशील भी लिख देता हूँ, तो हिंदी इंग्लिश जो भी माध्यम आपको अच्छे से समझ में आता है वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि मैं कमरे में जा रहा हूँ, तो अंदर घुसते वक्त जो है वो जो स्थिति होगी वो किसकी होगी, वो होगी इस इनटू की, क्योंकि उस वक्त क्या है, मैं गतिशील अवस्था में हूँगा। अगर मैं इसी को सेंटेंस के रूप में कहूँ तो मैं क्या कहूँगा कि ही इज गोइंग डैश द रूम। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेंटेंस के आगे इस प्रकार से इन और ऑब्लिक इनटू दिया होता है। अब आप समझेंगे यहाँ पर कि इनका भी अर्थ में होता है, इनटू का भी अर्थ में होता है। अब यहाँ आप क्या लगाएं, तो मैंने क्या बोला कि जब मोशन यानी कि गतिशीलता की बात की जाए, मैंने अभी बताया आपको कि अगर मैं कहूँ कि मैं कमरे में जा रहा हूँ, तो अंदर घुसते वक्त की जो मेरी स्थिति होगी वो क्या होगी, गतिशील होगी, तो उसे हम इनटू कहेंगे। यहाँ पर भी अगर देखिए, ही इज गोइंग डैश द रूम, यानी कि वो कमरे में जा रहा है। अब वो कमरे में जा रहा है तो उसकी गतिशील अवस्था है, तो यहाँ पर इन जो है वो नहीं आएगा, यहाँ पर इनटू जो है आपका आएगा। समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा, एग्जाम्पल से आप अगर समझेंगे तो आप इसे याद रखेंगे, पेपर में कर पाएंगे। तो ही इज गोइंग इन टू द रूम आपका सही हो जाएगा। और नॉर्मली आप इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज किसी के अंदर जो है वो एंटर कर जाए, जैसे कि आप रूम के अंदर एंटर करते हैं, आप पानी में छलांग लगाते तो पानी के अंदर एंटर करते हैं, ये भी इसका एक सेंस जो है वो निकलता है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और चीज़ें जो है वो क्लियर हों। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ, द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इन आएगा या इनटू आएगा। अब मैंने अभी क्या बोला आपसे, जब गतिशील की बात की जाए, कोई चीज किसी में एंटर की बात की जाए, तो आप यहाँ पर देखेंगे द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर, यानी कि लड़का पानी में कूद गया, तो इन आएगा कि इनटू आएगा, आप कहेंगे इनटू आएगा। बिल्कुल आपका सही है, इनटू यहाँ पर आएगा, क्योंकि गतिशीलता की बात की जा रही है, या जब कोई चीज किसी में एंटर कर रही है तो उसके सेंस भी यहाँ पर लग रहा है, तो ये इनटू आपका सही हो जाएगा। अर्थ निकालेंगे तो में ही निकलेगा, पर रूल आपको इस प्रकार से छोटे छोटे याद रखने हैं। एक और देख लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल इसका, जैसे मैं आपसे कहूं कि द कार डैश्ड, द कार डैश्ड इनटू द, अब यहां पर मैंने तो इनटू लिख ही दिया है आपके लिए, चलिए लिख के ही बता देता हूं, इनटू द शोरूम। ये जैसे कि आपका एक
सेंटेंस है। यहाँ पर इंटू जो है इसकी जगह फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा, द कार डैश्ड यानी कि कार जो है वो टकरा के इंटू द शोरूम यानी कि जो शोरूम है उसमें घुस गई। कार टकरा के शोरूम में घुस गई यानी कि एंटर कर गई। बात को समझिए आप, आपको इसी प्रकार से जोड़ना है। यहाँ पर अभी आप वही कंडीशन देख रहे हैं, द कार डैश्ड इंटू द शोरूम, मोशन गतिशीलता की व्यवस्था है, तो यहाँ पर आपका इंटू जो है वो आ जाएगा। अब बात करते हैं हम हमारा अगला और वो है अंडर। इसको अब समझते हैं। बेसिक अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है के नीचे। बेसिक अर्थ आपको क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जब कोई आप सेंटेंस की मीनिंग निकालते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पर कौन कौन से जो है वो आ सकते हैं यहाँ पर प्रपोजिशन, फिर उसमें से आप छांटते हैं कौन से यहाँ पर शर्त जो है वो फिट बैठ रही है। इसी को आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से टच ना हो आपस में, या किसी के नीचे पर बिना पूरी तरीके से छुए वहां पर आपका अंडर जो है वो यूज होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ तो पेड़ की जो शाखाएं होंगी ऊपर जो भी उसकी डंडी होगी वो तो नहीं मुझे छुएगी, तो इस तरह यूज आपका अंडर हो जाएगा। या मैं आपसे ये भी कहूँ कि अगर मैं टेबल के नीचे छुपा हुआ हूँ तो टेबल तो मुझे पूरी तरीके से छुएगी नहीं, तो आप वहाँ भी इसी प्रकार यूज कर सकते हैं। ये चीज मैंने क्यों बताई कि कोई भी पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट के नीचे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है वो पूरी तरीके से अगर नहीं छुएगा तभी आपका जो है अंडर का यूज होगा। ये चीज मैंने इसलिए बताई, कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई तकिया है और तकिया के नीचे कोई पत्र रखा हुआ है, तकिया के नीचे कोई पत्र रखा हुआ है, तो आप बताइए जो तकिया है वो उस पत्र जो है उसको पूरी तरीके से छुएगा कि नहीं छुएगा? आप कहेंगे बिल्कुल छुएगा, जब उस पर तकिया रखी जाएगी तो वो पूरी तरीके से छू लेगा। अब किसी चीज़ के नीचे के सेंस में तो अभी तक आपने अंडर पढ़ा है, किसी भी चीज के नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पर आपने अंडर पढ़ा है और यहाँ पर आप अंडर लगाकर चले आएंगे। पर अगर आप मेरी इस बात को याद रखेंगे कि ये भी आपको देखना है कि वो चीज टच कर रही है कि नहीं, तो आप यहाँ पर अंडर नहीं लगाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या लगता है? तो ऐसी स्थिति में आपका बीनीथ लगता है, BENEATH, बीनीथ या अंडरनीथ भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ये लग जाता है, पर यहाँ पर जो टच ना हो तो वहां पर अंडर लगता है। कुछ एग्जाम्पल से क्या करते हैं चीजों को समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि राम इज हिडन अंडर की जगह डैश लगा होगा द बेड। इसी प्रकार और क्या हो सकता है, जैसे कि मॉम इज सिटिंग डैश द ट्री, ये आपका हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों को पहले देख लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे, राम इज हिडन डैश द बेड, तो जो राम है वो बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे बिस्तर और जो राम है वो आपका अलग अलग है, टच तो कर नहीं रहा है, तो इसके लिए आप यहाँ पर अंडर जो है वो यूज करेंगे। और नीचे के सेंस में भी आपका आ रहा है, मैंने बताया था किसी के नीचे पर भी आपको अर्थ देखना है, तो राम इज हिडन अंडर द बेड आपका हो जाएगा। सेम चीज मॉम इज सिटिंग डैश द ट्री। अब सिचुएशन में अलग अलग देखें तो यहाँ पर ऑन भी लग सकता है कि मॉम इज सिटिंग ऑन द ट्री, पर मैंने क्या कहा, ब्रैकेट में आपको अधिकतर लिखा देखने को मिलता है कि इसमें आपको सेलेक्ट करना है, और अगर नहीं लिखा है तो ऐसा आपसे पूछा ही जाता है कि पर्टिकुलर वहां पर सिंगल ही जो है वो यूज हो। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री आपका सही हो जाएगा, सेम ऊपर वाली सिचुएशन आपकी लग जाएगी। इसी प्रकार एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि मेन आपके एग्जाम्पल ही की प्रैक्टिस पर बेस्ड सारी चीजें हैं। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, माई फीट आर डैश द टेबल। इसका अर्थ आप क्या निकालेंगे कि
मेरे जो पैर हैं वो या मेरे जो पाँव हैं वो टेबल के नीचे हैं। तो टेबल और पा जो पाँव हैं यानी पैर हैं वो अलग अलग हैं, टच नहीं हो रहे हैं, और किसी चीज़ के नीचे की बात की जा रही हो तो दोनों अगर कंडीशन आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी इसी प्रकार आपका अंडर जो है वो आ जाएगा, माई फीट आर अंडर द टेबल। इसी प्रकार और भी बहुत से एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, यानी कि बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी है। अब एक और कंडीशन होती है उसको और देख लीजिए। दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या होती है, अंडर में ही अगर बात करें तो आप कहेंगे कि किसी चीज के उपयोग की बात करें तो उससे कम के अर्थ में जो है भी अंडर का यूज किया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि सी वॉज डैश एज, अब यहाँ पर जो बात की जा रही है जो मैंने बताया उसी के संबंध में, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, अंडर एज। मैंने आपको क्या कहा कि इसका उपयोग से कम के अर्थ में भी किया जाता है, जैसे लेस देन, यंगर देन, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं उसके अर्थ के सेंस में। तो सी वॉज अंडर एज आपने काफी बार सुना भी होगा, तो उस अर्थ में भी आपका होता है। बाकी आपका इसमें जो है वो इतने ही आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपका जो है वो ऑफ। आधा घंटा तक ही हम देखेंगे, जितने इसमें कंप्लीट हो जाएंगे उतने देखेंगे, बाकी जो बचे हैं वो फिर हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि आधा घंटा से ऊपर फिर आपको भी बोरिंग लगेगा, चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो आधा घंटा तक देखेंगे। 20 मिनट की क्लास अभी तक जो है वो हो चुकी है। का की के इस प्रकार के ऑफ के अर्थ के सेंस की अगर बात करें नॉर्मल अर्थ की तो जो है वो निकलता है। अच्छा एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि हमने अभी अंडर देखा तो अंडर से रिलेटेड आपका अंडर नीथ भी होता है, तो बिनीथ भी होता है, उसको देख लेते हैं फिर हम ऑफ को देखेंगे। आपका क्या होता है, बिनीथ जो मैंने अभी आपको बताया था, बिनीथ BENEATH होता है, और आपका अंडर नीथ भी होता है इसी का, तो इसको देख लेते हैं क्योंकि यह इससे जस्ट पहले वाले से ही रिलेटेड है। मैंने अभी आपको बताया एक एग्जाम्पल के जरिए कि कोई भी पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो यदि आपका आपस में टच हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक तकिया और एक जो लेटर है पत्र है उसको समझा कर बताया था कि वो टच हो रहे हैं, तो उस सेंस में आपका बीनीथ का यूज जो है वो होता है या अंडर नीथ का यूज जो है वो होता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप क्या कह सकते हैं कि माई रूम इज अंडर नीथ योर रूम, यानी कि मेरा कमरा आपके कमरे के नीचे है। लिख भी देता हूं मैं क्योंकि हो सकता हो कुछ लोग नोट्स वगैरह बना रहे हो। माई रूम इज डैश योर रूम, ये आपका सेंटेंस है। यहां पर आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आपका अंडरनीथ जो है वो आ जाएगा, यानी कि मेरा कमरा आपके कमरे के नीचे है। इसी प्रकार आप ये भी कह सकते हैं कि माई हाउस इज अंडर नीथ योर हाउस, यानी कि मेरा घर आपके घर के नीचे है। जैसे यहाँ पर रूम के संबंध में एग्जाम्पल हो गया, तो इसी प्रकार आपसे हाउस के संबंध में भी जो है वो पूछा जा सकता है। इसी प्रकार जो मैंने अभी आपको बताया था क्या कि माई या पैसे तकिए के नीचे है, तो द मनी इज अंडर नीथ पिलो, इस प्रकार से वो मैंने आपको बता दिया था। अब बिनीत वाले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आप क्या कहें, द पेन इज डैश माई कॉपी, ये आपका सेंटेंस है। द पेन इज बिनीथ माई कॉपी आपका हो जाएगा, अर्थ क्या निकलेगा कि पेन मेरी कॉपी के नीचे है, तो यहाँ पर आपका बिनीथ जो है वो आ जाएगा। इसी प्रकार आपके और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि हर फोटोग्राफ इज फिल इन द ब्लैंक्स माई बुक। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर डीएलएड के, तो अधिकतर क्या किया जाता है प्रश्न में, उसी से मिलते जुलते जो होते हैं वो ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, यानी कि यहाँ ब्रैकेट में लिखा होगा आपसे कि बीनीथ या अंडर, अब आपको पहचानना होगा कि
कि हर फोटोग्राफ इज अंडर माई बुक या बीनीथ माई बुक। अब आप देख रहे हैं कि फोटोग्राफ आपकी जो है वो किताब के नीचे है, यानी कि उसकी तस्वीर मेरे किताब के नीचे है, यानी दोनों टच हो रही हैं, और टच के संबंध में आपका बीनीथ या अंडरनीथ में से आप लिखते हैं, तो यहाँ पर बीनीथ जो है आपका आप लिख सकते हैं। तो बेसिक आपको बीनीथ और अंडरनीथ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वही जो हम देख रहे थे, यानी कि ऑफ, ऑफ को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ऑफ का मैंने अर्थ क्या बताया था, का के संबंध में, की के संबंध में या के संबंध में। अर्थ की अगर बात करें तो जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो प्रशांत इज ब्रदर डैश राहुल। यहां पर आपको बताना है कि प्रशांत इज ब्रदर डैश राहुल, तो आप क्या कहेंगे कि जो प्रशांत है वो राहुल का भाई है, का भाई है, अर्थ निकल रहा है, और उसके सेंस में ऑफ आपका लगता है प्रशांत इज ब्रदर ऑफ राहुल आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार और एग्जांपल की बात करें तो ही इज अ स्टूडेंट ऑफ लखनऊ पब्लिक स्कूल, यानी कि वो बिरला या वो लखनऊ पब्लिक स्कूल जो है उसका विद्यार्थी है, तो का उसका विद्यार्थी का सेंस निकल रहा है, तो वहाँ भी आपका इसी प्रकार से ऑफ जो है वो लग जाएगा। अच्छा, अगर इसी का की के जो मैंने लिखा था इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं कि सो द रिलेशन, शो द रिलेशन। जैसे हम कहते हैं ना कि वो प्रशांत जो है वो राहुल का भाई है, तो क्या एक रिलेशन की बात की जा रही है, वो राम का भाई है, ही इज द ब्रदर ऑफ राम, तो रिलेशन की बात की जा रही है, तो का वहीं पर तो आपका अर्थ जो है वो निकलेगा। इसी से मिलता जुलता एक और आपका ऑफ होता है, जहां पर वो डबल एफ होता है, यानी दो एफ होते हैं, तो उसको आप देखते हैं। ये वाला ऑफ हमने देख लिया, इतनी चीजें इसमें आती हैं और कुछ नहीं है। दूसरा होता है जो वो होता है वो डबल एफ, इसकी अगर बात करें तो साधारण अर्थ से के अर्थ में होता है, और अगर बात करें इसके रूल की तो आप कह सकते हैं कि कोई भी सतह है उसे अलग होना। क्या चीज है, किसी सतह से अलग होना। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए आकर आपको समझाऊं, तो अगर मैं कहूं कि पेन को टेबल से उठा लो, तो जब पेन उठाया जाएगा तो वो टेबल की सतह से अलग होगा, तो जब अलग होगा तो आप क्या कहेंगे, ओ डबल एफ वाला ऑफ लगेगा। और अगर बात करूं जैसे कि बंदर पेड़ से कूदा, तो बंदर भी यहां पर पेड़ की जो सतह है उसको छोड़ेगा, तभी तो वो दूसरी जगह कूदेगा, तो वहां भी इस प्रकार से ऑफ का यूज हो जाता है। और अगर बात करें तो वाहन से भी उतरने पर आप वाहन से अलग होते हैं, आप बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, पर वहां पर केवल ऑफ नहीं यूज होता है, वहां पर आपका गेट ऑफ जो है वो यूज होता है। क्या यूज होता है, गेट ओ डबल एफ ऑफ, जब वाहन से उतरने की बात जो है वो आती है। और इसी प्रकार हवाई जहाज में भी आप देखते हैं तो एयरपोर्ट से उड़ने को टेक ऑफ कहते हैं, सतह से अलग हो रहा है, उससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हवाई जहाज में काफी बार आपने टेक ऑफ सुना होगा, तो एयरपोर्ट से उड़ान भरते समय जो हवाई जहाज है वो भी आपका कह सकते हैं एयरपोर्ट की जो सतह है उसको छोड़ता है, यानी कि लीविंग अ सरफेस आप जो है वो कह सकते हैं। अब क्या करते हैं इसके देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि आपका पहला एग्जाम्पल इस प्रकार से हो जाएगा कि आई पिक्ड द मोबाइल डैश द बेड, ये आपका जो है वो सेंटेंस है। अब इसका अर्थ समझिए, क्या मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, उठा रहे हैं मोबाइल को, तो उसकी जो सतह है उससे वो अलग हो रहा है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, यानी कि ओ डबल एफ आपका सही हो जाएगा। तो ये आपके रूल रेगुलेशन होते हैं। देखते हैं एक और आपका इसी प्रकार से एग्जाम्पल, जैसे कि
मंकी जंप्ड डैश द ट्री, यहां पर आप क्या लिखेंगे, ऑफ द ट्री। क्यों? बंदर पेड़ से कूदा, उसकी सतह मैंने अभी आपको बताया उससे अलग हो रहा है, तो वहां पर के सेंस में भी आपका इसी प्रकार से यूज होता है। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे हम कहते हैं ना टेबल से कप हटा दो, मूव द कप ऑफ द टेबल, तो ऑफ वहां पर भी आ रहा है, वहां से भी आप जो सरफेस है उससे अलग कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपका ओ डेवलप वाला जो है वो आएगा। अच्छा, एक सेंस आपका यहाँ से ये भी निकलता है क्या, कि किसी तरीके से दूर रहने के अर्थ के सेंस में भी आपका यूज होता है, सरफेस वहां पर भी आपका अलग होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि फूलों से दूर रहो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या कहते हैं हम, फूलों से दूर रहो, यानी कि आप कहेंगे उसे कि कीप और डैश द फ्लावर्स। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी FLOWERS, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो दूर रहने की बात की जा रही है, सरफेस से अलग होने की बात की जा रही है, और मैंने अभी आपको बताया भी कि जब दूर रहो के अर्थ की बात की जाए, तो वहां भी आपका ओ डबल एफ ऑफ वाला ही आता है, यानी कि कीप ऑफ द फ्लावर्स आपका सही हो जाएगा। तो आपके इसमें इतने ही रूल थे, और जो आपके प्रपोजिशन है वो हम देखेंगे जो है वो अगले वाले नेक्स्ट पार्ट में। जो मैंने पिछले वाले पार्ट में एक सेंटेंस पूछा था, सबसे पहले बात करते हैं उसके आंसर की, उसके बाद हम पूछेंगे एक और इस वीडियो का भी। सेंटेंस पिछला वाला था आई प्रिफर मिल्क डैश टी, ये डीएलएड में पूछा गया था, वही मैंने पूछा था। और देन और टू में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन के लिए अगर बात करें आंसर की, तो टू आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसने इसने टू आंसर दिया था उसका बिल्कुल सही था। तो एक्चुअल में होता क्या है, इसका एक रूल होता है कि यहाँ पर जो प्रिफर है ये आपका वर्ब एक टू जो है प्रपोजिशन इसी के साथ आता है, तो आप क्या इसको कह सकते हैं कि द वर्ब जो प्रिफर है वो ऑलवेज टेक्स द प्रपोजिशन टू आफ्टर इट, तो इसी के साथ ही आता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। आई प्रेफर मिल्क टू टी आपका सही होगा, देन टी जो है वो नहीं होगा। सुनने में देन सही लगता है पर आपका टू टी जो है वो होगा। तो फ्रॉम को समझते हैं, सबसे पहले कहाँ पर कंडीशन क्या लगती है, वो लगती है किसी जगह से के संबंध में, किसी जगह से, इसी को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम सम प्लेस, फ्रॉम सम प्लेस। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं देहरादून से आ रहा हूँ, मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, तो आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, तो किसी जगह से की जब बात आती है, किसी प्लेस से की बात आती है, तब वहाँ पर आपका फ्रॉम जो है वो लगता है। इसी का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ कि दे केम डैश पार्क, तो हिंदी के आप कहेंगे कि वे पार्क से आए, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम जो है आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न यहाँ से पहली कंडीशन पर भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं हमारी दूसरी कंडीशन, जब यहाँ पर क्या हो, किसी समय से, यहाँ पर इंग्लिश आप क्या कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहां समझिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं कल से काम करूंगा, यानी कि आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, पर्टिकुलर एक टाइम की बात की जा रही है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है, किसी समय से करने की बात की जा रही है, तो वहां सभी जगह आपका फ्रॉम जो है वो लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल ही आपके सेंटेंस में, यानी कि जो आपका डीएलएड का पेपर होगा उसमें पूछा जाएगा, मेन इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आपका सेंटेंस हो जाएगा आई विल वर्क डैश टुमारो, TOMORROW। इसी प्रकार और क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, जैसे कि राम विल वर्क फ्रॉम, फ्रॉम तो मैंने यहाँ पर फिल ही कर दिया, चलिए लाइन लिख देते हैं फ्रॉम
10 o'clock, ये जो है आपका सेंटेंस है। तो पहले वाले में भी क्या आ जाएगा, आई विल वर्क फ्रॉम जो है वो टुमारो, मतलब क्या निकलेगा कि मैं कल से काम करूंगा, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, यानी कि राम 10 बजे से काम करेगा। यानी आप क्या यहाँ पर देख रहे हैं, किसी समय से जब बात की जा रही हो, कोई पॉइंट ऑफ टाइम किस टाइप से बात की जा रही हो, तो उसके सेंस में भी आपका फ्रॉम लगता है। पहले हमने देखा कि किसी जगह से के संबंध में बात की गई तो भी लगता है, किसी समय से के संबंध में बात की गई तब भी लगता है। तीसरी एक और कंडीशन आपकी क्या होती है, वो होती है किसी स्रोत से, किसी स्रोत से। जैसे मैं आपसे क्या कहूँ, फ्रॉम एनी सोर्स, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों समझने वाले यहाँ पर छात्र हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने जो है वो श्याम से ये सुना, मैंने जो है वो राम से ये सुना, तो क्या है, किसी स्रोत से जब कोई आपको जानकारी प्राप्त हो रही है तो भी तो आपका फ्रॉम ही लगेगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा, किसी स्रोत से या फ्रॉम एनी सोर्स। एग्जाम्पल इसका मैं नीचे एक लिख देता हूँ, जैसे कि आई रोट इट डैश द बुक। अब आपको यहाँ पर बताना होगा फिल इन द ब्लैंक्स की जगह कौन सी प्रपोजिशन आएगी। हिंदी आप सेंटेंस की निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, मैंने ये किताब से लिखा, तो किताब से लिखा, किताब क्या एक सोर्स का वर्क कर रही है, तो आई रोट इट फ्रॉम द बुक आपका जो है वो सही हो जाएगा, फ्रॉम द बुक। तो आपने समझा, टोटल 3 यहाँ पर कंडीशन है, किसी जगह के सेंस में, किसी समय से, या किसी समय के सेंस में, या किसी स्रोत जो है उससे उसके सेंस में। तो आपने समझा कि कहाँ पर फ्रॉम लगता है। इसी प्रकार एक आपका यही फ्रॉम से पूछा जा सकता है, अच्छा सेंटेंस है, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन। तो सेंटेंस आपका क्या है कि इंडिया हैज टेकन लोन डैश वर्ल्ड बैंक, ये आपका जो है वो सेंटेंस है। अब यहां पर इसका अर्थ क्या निकलेगा, इंडिया हैज टेकन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, यानी कि भारत ने वर्ल्ड बैंक से लोन जो है वो लिया है। अब वर्ल्ड बैंक यहाँ पर किसका वर्क कर रहा है, सोर्स का वर्क कर रहा है, मैंने स्रोत की बात की थी, तो यानी कि यहाँ पर आपका वर्ल्ड बैंक स्रोत कवर कर रहा है, सोर्स कवर कर रहा है, तो यहाँ भी आपका फ्रॉम ही जो है वो आ जाएगा। यानी आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंडिया हैज टेकन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो समझ गए होंगे आपकी फ्रॉम से कैसे भी सेंटेंस है आप कर ले जाएंगे। बात करते हैं चलिए अब नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका फॉर। इसका साधारण सा अर्थ की अगर बात करें तो से के सेंस में जो है वो यूज होता है, जो फ्रॉम देखा था उसका भी अर्थ से के सेंस में जो है वो यूज होता है। अब इसकी अगर बात करें तो सबसे पहली आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, उसकी बात करते हैं कि फॉर जो है इसका यूज अनिश्चित समय यानी कि समय की अवधि के साथ तो होता है आपका, पर उसमें भी अनिश्चित समय की जब बात हो रही हो तब आपका फॉर यूज होगा। इसका अर्थ आप देखते भी हैं, सिंस और फॉर में अलग अलग निकाला जाता है, पर हम यहाँ पर प्रपोजिशन की बात कर रहे हैं तो प्रपोजिशन के अर्थ में जो है मैं आपको बता भी रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आई हैव बीन स्टडिंग डैश 2 आवर। दूसरा सेंटेंस लिखता हूं मैं, जैसे ही हैज बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। ये दो मैंने सेंटेंस लिखे हैं।
पहले दूसरे वाले में तो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर दिया है कि ही हैज बीन ट्राइंग फॉर मैनी ईयर्स, तो दूसरे वाले से समझिए और पहले वाले में फिल कीजिए। मैंने क्या बताया कि फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। सेंटेंस का अगर आप अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वो कई दिनों से कोशिश कर रहा था, ही हैज बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, यानी कि आपका समय यहाँ पर निश्चित जो है वो नहीं है। सेम यही चीज यहाँ पर भी देखेंगे, आई हैव बीन स्टडिंग डैश 2 आवर्स, यानी कि मैं 2 घंटे से जो है वो पढ़ रहा हूँ। तो आप 2 घंटे को देखकर कंफ्यूज ना हो जाएगा कि 2 घंटे तो फिक्स है। 2 घंटे एक हम बोलते नहीं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो 2 घंटे का मतलब ये नहीं कि पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, वो एक अनिश्चित समय को दर्शाने के लिए आपका यूज होगा। तो फॉर यहाँ पर भी जो है वो आ जाएगा, दोनों आपका फॉर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ लिख देता हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि आप कहें कि फॉर 2 सेकेंड, तो आपका इस प्रकार आएगा, सेकेंड पूरा यहाँ पर, चलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसी प्रकार फॉर जो है उसी के साथ, केवल मैं पॉइंट पॉइंट लिख देता हूँ कि फॉर आपका रहेगा, इसके साथ साथ क्या आ सकता है, तो 2 मिनट्स आपका आ सकता है। मिनट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी पूरा लिख लीजिएगा। इसी प्रकार 2 जो है वो आवर्स आ सकता है, इसी प्रकार आपका 2 डेज आ सकता है, इसी प्रकार आपका 2 वीक आ सकता है, इसी प्रकार आपका 2 मंथ्स आ सकता है, या आपका 2 ईयर्स भी आ सकता है, या 2 सेंचुरीज के तौर पर भी आपका आ सकता है। सेंचुरीज की स्पेलिंग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, CENTURIES, ये हो सकता है आपसे पूछ ली जाए, तो ये आपके इस प्रकार से हो जाएंगे। अब ये तो केवल समय के आप देख रहे हैं, सेकेंड, मिनट, आवर, आवर, डेज, वीक, पर अगर बात करें इसी को जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे कि फॉर आ लॉन्ग, यानी कि काफी देर से, या फिर हम कहें कि फॉर आ वाइल, तो हम क्या कहेंगे, कुछ देर से। तो यहाँ पर सभी समय आप क्या देख रहे हैं, अनिश्चित हैं। आपको क्लियर हो रही होंगी सारी चीजें, तो आपका दिन, घंटे, महीने, साल किसी भी प्रकार से आए तो आप जो है वो कर ले जाएंगे। तो पहली से कंडीशन आपने समझ ली, बात करते हैं आप दूसरे जो है वो कंडीशन की। प्रैक्टिस आप करेंगे तभी चीजें आएंगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप सोचिए कि मैं पढ़ता जा रहा हूँ पीछे पीछे भूलता जा रहा हूँ, तो भूलेंगे आप इसलिए क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो दूसरा है आपका के लिए, यानी कि फॉर एनी पर्पस आप कह सकते हैं। अब जैसे हम क्या कहते हैं कि पढ़ने के लिए, देखने के लिए, पैसे के लिए, किताब के लिए, तो सभी जो आपके पर्पस हैं वो किस में आ रहे हैं, इसी पर्टिकुलर के अंतर्गत आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो क्या कह सकता हूँ, आई डिड इट डैश यू, या इसी प्रकार ही केम टू मी डैश मनी। ये आपके 2 सेंटेंस हैं। अब अर्थ निकालिए, पहले वाला सेंटेंस क्या, आई डिड इट डैश यू, यानी कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया, यानी कि एक पर्पस की बात की जा रही है, के लिए के सेंस निकल रहा है कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया। तो वहां पर मैंने क्या बताया, आपका आता है फॉर आता है, यानी कि आई डिड इट फॉर यू आपका सही होगा। इसी प्रकार ही केम टू मी डैश मनी, अब यहाँ पर भी आपको सोचना है हिंदी क्या निकलेगी आपकी, कि वो मेरे पास पैसे के लिए आया, तो के लिए सेंस निकल रहा है, फॉर एनी पर्पस के ब्रैकेट में आप के लिए लिख भी सकते हैं चाहे तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, वो मेरे पास पैसे के लिए आया, तो फॉर मनी जो है आपका सही हो जाएगा। तो आई होप ये आपको सेकंड कंडीशन भी समझ में आ गई होगी। तीसरी और लास्ट कंडीशन इसकी क्या होती है, वो होती है आपकी एक्सचेंज, फॉर एक्सचेंज, EXCHANGE। इसमें क्या होता है कि कोई चीज के बदले कुछ और, अगर मैं कहूँ कि मैंने 20 रुपए की किताब खरीदी, तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने 20 रुपए के बदले में किताब ली, तो रुपया दिया, किताबें ली, तो ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। और जरूरी नहीं कि वहां पर पैसे का ही लेन देन हो, जैसे पहले वस्तु विनिमय चलता था, जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे उन्हें पता होगा वस्तु विनिमय, कि वस्तुओं के बदले वस्तु जो है वो आपकी दी जाती थी। जैसे कि आपके पास गेहूं का उत्पादन अधिक होता है और
एक कोई दूसरा पर्सन उसके पास चावल का उत्पादन होता है, तो आप कुछ गेहूं के बदले उससे कुछ चावल ले लेते थे, तो ये वस्तु विनिमय कहलाता था। तो ये भी आपका इस एक्सचेंज के अंतर्गत ही जो है वो आएगा। यही मेरा मेन उद्देश्य था इसको बताना। जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल कहूँ, आई गेव ए मोबाइल डैश रुपीज 500। अब क्या इसका अर्थ निकलेगा कि मैंने 500 रुपए में मोबाइल दिया। अब एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे, एक्सचेंज की जब बात आएगी तो आपका फॉर जो है वो लग जाएगा। तो आई गेव अ मोबाइल फॉर रुपीज 500। इसी प्रकार ही बाउट अ पेन फॉर रुपीज 5। ऐसे आपके जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रपोजिशन, और नेक्स्ट प्रपोजिशन है आपका एट। अब इसको समझते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो, चीज़ें सभी समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और वैसे भी आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। अब बात करते हैं ऐड की। तो ऐड की सबसे पहली बात करें अगर कंडीशन की, तो सबसे पहली आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, पॉइंट ऑफ टाइम। तो अभी जैसे हमने पॉइंट ऑफ टाइम देखा था वो आपका अलग था, यहाँ पर इसको हम समझेंगे ये आपका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर निश्चित समय जो है उसके साथ आप कह सकते हैं एट का यूज होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आई वॉज बॉर्न डैश 2 o'clock, इस टाइप से आपका होगा, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही, तो यहां पर आपका एट जो है वो आएगा। आई वॉज बॉर्न एट 2 am, pm भी आप इसमें आगे इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, o'clock करके भी जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप क्या कह सकते हैं, ही विल कम होम डैश 10 am। यहां पर क्या होगा आपका कि वो सुबह 10 बजे घर आएगा, तो यहां पर भी एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका एट जो है वो आ जाएगा। आई वॉज बॉर्न एट 8, यानी कि मैं 2 बजे पैदा हुआ था, तो वो आपका भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही, तो वहां पर भी एट आ जाएगा। तो ये आपकी हो गई पहली कंडीशन। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन है आपकी विद स्मॉल प्लेसेस, यानी कि जो आपकी छोटी जगह है उनके साथ एट का यूज किया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आई स्टेड डैश ए होटल, यानी आपका क्या होगा, मैं एक होटल में जो है वो रुका। अब मैं यहाँ पर देखिए अर्थ निकल रहा है, और ऑप्शन में इन और एट दोनों दिया होता है, तभी मैंने आपसे कहा कि आपको रूल रेगुलेशन सब पता होंगे, कौन कौन सी कंडीशन कहाँ फिट होती है, तब आप एकदम सही लगाएंगे। अर्थ तो आपका निकलता है कि जैसा, तो यहाँ पर आई स्टेड एट अ होटल जो है वो सही हो जाएगा। विद स्मॉल प्लेसेस में होटल आपका एक स्मॉल प्लेस होता है, तो उसके सेंस में यूज जो है वो होता है। और क्या क्या होता है, जैसे कि आप कहेंगे एट के साथ आपका बस स्टॉप हो जाएगा, या आपका एट के साथ और चेयर हो सकता है, एट द चेयर। अब यहाँ पर ही एक कंडीशन आती है बहुत सी अच्छी, वो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पर्टिकुलर सेंटेंस में छोटी और बड़ी दोनों जगहों के बारे में बताया गया है, तब आप क्या करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, छोटी और बड़ी दोनों जगहों में अगर बात की गई है, तो जो छोटी जगह है उसके साथ आपका एट आएगा, और जो बड़ी जगह है उसके साथ आपका इन आएगा। इसका एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, मैं सब यहाँ पर रफ कर रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, जैसे आई लिव डैश रोहिणी विच डैश दिल्ली। ये जो है आपका सेंटेंस है, यानी कि मैं रोहिणी में जो है वो रहता हूँ, जो आपका जो है वो दिल्ली में है। ये आपका सेंटेंस है कि मैं रोहिणी में रहता हूँ जो दिल्ली में है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रोहिणी है वो आपकी छोटी जगह है,
और जो दिल्ली है वो आपकी बड़ी जगह है। तो आपको मैंने क्या बताया, जो छोटी जगह है उसके साथ या कह सकते हैं उसके पहले जो है आपका एट आएगा, और जो बड़ी जगह है उसमें आपका इन आएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इससे आपका कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो रहा है। बात करते हैं इसी एट के नेक्स्ट कंडीशन की, वो होती है आपकी विद नाइट, यानी कि रात, और आप क्या कह सकते हैं दोपहर के साथ। रात या दोपहर जो है उसके सेंस में भी आपका एट जो है वो यूज होता है। जैसे वी स्टडी एट नाइट हम बोलते हैं, यानी कि हम रात में पढ़ते हैं, इन नहीं बोलते हैं। तो आपने क्या देखा, रात के सेंस में भी यूज होता है। और यही चीज अगर नून के संबंध में कहें तो आई वॉज देयर एट नून, यानी कि मैं दोपहर में वहां था, तो वहां पर भी आपका एट ही जो है वो आता है। एक और आपकी देखते हैं इसी में कंडीशन, वो होती है टू टेल द कॉस्ट ऑफ समथिंग, यानी कहने का मतलब है कि मूल्य बताने में भी आपका एट का यूज जो है वो होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि द फ्रूट इज सेलिंग एट ₹10 पर केजी, यानी कि जो फल है वो ₹10 किलो बिक रहा है, तो वहां पर आपका एट जो है यही जो है वो यूज होगा। एक मैं एग्जांपल लिख के भी यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि आई एम बाइंग अनियन डैश ₹20 पर केजी। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका टू आएगा। जब यहाँ पर कॉस्ट की बात की जा रही है तो आपका यहाँ पर एट जो है वो आ जाएगा। टू टेल द कॉस्ट ऑफ समथिंग की जब बात की जा रही है, यानी कि मूल्य बताने की बात की जा रही है, तो आपका एट आता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं प्याज ₹10 किलो खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग अनियन एट ₹20 पर केजी। एक आपका इसमें रूल और होता है, और ये लास्ट हमारा रूल होगा इस एट का, वो क्या होता है, वो होता है किसी त्योहार या एनी फेस्टिवल, आप कह सकते हैं एनी फेस्टिवल या कोई इवेंट वगैरह हो गया, तो इन सभी में भी आपका एट ही यूज होता है। जिसमें आपसे कहूं कि आई विल कम होम एट होली, यानी कि मैं होली पर जो है वो घर आऊंगा, या मैं कहूँ कि मैं दिवाली पर घर आऊंगा, आई विल कम होम एट दिवाली, या जन्मदिन भी आपका एक प्रकार का इवेंट होता है, तो आप क्या कहते हैं ही विल गो देयर एट हिज बर्थडे, यानी कि वो उसके जन्मदिन पर वहां जाएगा। तो एट किसके साथ लगता है, होली हो गया आपका, या कह सकते हैं एट दिवाली हो गया आपका, या आप कह सकते हैं एट बर्थडे हो गया, कोई पार्टी वगैरह हो गया, तो ये सब आपके इसी में जो है वो आ जाते हैं, या एट द पार्टी वगैरह भी आपका इसमें आएगा। नेक्स्ट चलिए अब देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है आपका विद। अब विद की बात करें तो के साथ के संबंध में इसका अर्थ जो है वो निकलता है, तो वो तो क्या आपका नॉर्मल अर्थ। कंडीशन की बात करते हैं सीरियल से, सबसे पहली कंडीशन होती है आपकी कि कोई भी चीज का प्रयोग करके कुछ करना है, हम क्या कह सकते हैं इसको परफॉर्म अ टास्क विद द हेल्प ऑफ समथिंग, ये जो है आपका विद के लिए हो जाएगा कि कोई चीज का यूज करके कुछ करना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आई कट द केक डैश अ नाइफ, यानी कि मैंने चाकू से केक काटा, मैंने कोई टास्क जो है वो परफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ समथिंग, तो जो विद द हेल्प ऑफ समथिंग है उसी के साथ आपका क्या आएगा, विद जो है वो आ जाएगा, यानी कि आई कट द केक विद अ नाइफ। इसी प्रकार ही रॉट द लेटर विद अ ब्लू पेन, यानी उसने नीले पेन से पत्र लिखा। इसी प्रकार आप कह सकते हो उसने पत्थर से चिड़िया मारी, तो ही किल्ड द बर्ड विद द स्टोन। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल इसके होते हैं, बेसिक आप समझ गए होंगे, तो इतना काफी है। देखते हैं हमारी दूसरी जो है वो कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है साथ के संबंध में, यानी कि किसी के साथ एकम्पनी कह सकते हैं, जैसे हम कहें कि राम के साथ, तुम्हारे साथ, किसी वस्तु के साथ आदि, तो उसके सेंस में आपका यूज होता है
अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आई एम विद राम, और यहाँ पर आपका आएगा इन दिस मैटर, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। अर्थ क्या होगा इसका? अर्थ होगा कि इस मामले में मैं राम के साथ हूँ। यहाँ पर जो विद है वो आपकी प्रपोजिशन आएगी जब बात की जाती है इस प्रकार से कि राम के साथ या किसी व्यक्ति के साथ, तुम्हारे साथ, किसी वस्तु के साथ, जैसे कि ही विल बी विद यू, हम आपके साथ रहेंगे, तो वहाँ पर भी आपका विद आता है। इसी प्रकार आपका मेरे पापा अपने ऑफिस लैपटॉप लेके गए, यानी कि माई डैड वेंट टू हिज ऑफिस विद द लैपटॉप, इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल जो है वो हो जाएंगे। तो आपका ये हो जाएगा विद। देखते हैं हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? बाई। बाई का सेंस किसके संदर्भ में आता है? तो के द्वारा जो है इसके संदर्भ में आता है। तो पहली कंडीशन ही इसकी यही होती है कि के द्वारा के संबंध में, जैसे कि मुझे किसी के द्वारा रोका गया, तो आई वॉज स्टॉप्ड बाई समवन, आपका जो है वो आएगा। इसी प्रकार उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है, तो ही कैन बी सेंट बाई हिज फादर, तो वहां पर भी इसी प्रकार आपका बाई आ जाएगा। तो ये आपका एक एग्जाम्पल लिख के देख लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? दिस हैज बीन ब्रोकन बाई राहुल। ये आपका सिंपल सा सेंटेंस है, यानी कि यह श्याम के या राहुल के द्वारा तोड़ा गया है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? बाई आ रहा है, और के द्वारा के सेंस में मैंने आपको बताया आपका यही जो है, यानी कि बाई जो है वो आता है। जैसे कि यहाँ सेंटेंस में भी आप देख रहे हैं तो के द्वारा के सेंस में जो है आपका आया है। इसके अलावा इसी का अर्थ दूसरे सेंस में भी और निकलता है, जैसे कि आपका से के अर्थ में। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आई ट्रेवल्ड बाई बस, यानी कि बाई जो है आपका फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा, मैंने बस से यात्रा की। तो यहाँ पर से अर्थ निकल रहा है, के द्वारा भी आप कह सकते हैं, मतलब वही है, पर जो एक्चुअल अर्थ निकल रहा है उसकी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो किसी वाहन से सफर करना, ट्रेवल बाय सम व्हीकल भी आप इस कंडीशन में लिख सकते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर शर्त में लिख सकते हैं। जैसे कि आपका बाई बस हो गया, या बाई कार हो गया, या बाई प्लेन हो गया। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि किसी भी वाहन से सफर करने के अर्थ में आपका बाई जो है वो इस प्रकार से यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप से के साथ में लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट अगर कंडीशन की बात करें तो वो होती है तक के अर्थ में। इसकी बात करें तो आप क्या कहेंगे? समय के साथ केवल, और उसके साथ साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैंने टेंस आपको बता दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा, तो तक यहाँ पर वर्ड आ रहा है, उसके अर्थ में आप क्या कहेंगे? आई विल लीव बाई 4 o'clock। तो आपका यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी आपको जो है वो देखना होगा। तो यहाँ पर मैं इसका एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपका होता है इसी के अंतर्गत कोई आपके बगल में खड़ा हो, तो आप क्या कहते हैं? आई वॉज स्टैंडिंग डैश हिम, तो आप क्या कहेंगे? बाई हिम। मैंने क्या कहा? मैं उसके बगल में खड़ा था, इसका अर्थ निकलेगा। तो ये भी आपका उसी का अर्थ में जो है वो आता है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशन। नेक्स्ट प्रपोजिशन है आपका बिफोर। तो थोड़ा सा स्पीड में हम चलते हैं। बिफोर का आपका यूज होता है पहले के संदर्भ में। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी, तो दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। या मैं आपसे कहूं कि मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊंगा, यानी कि आई विल कम बिफोर यू लीव। तो इस प्रकार से आपके बहुत से एग्जाम्पल हो जाते हैं। एक यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपके लिए भी लिख देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूं कि नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, आपका हो जाएगा। अर्थ क्या निकलेगा इसका? कि मैं आपके सामने जो है वो खड़ा हूं। तो ये भी आपका बिफोर जो है आपका यहाँ पर प्रपोजिशन हो जाएगी।
तो बेसिक था आपका बिफोर, इसी से मिलता जुलता एक और प्रपोजिशन होता है, वो होता है आपका आफ्टर। बिफोर का यूज होता है पहले के संदर्भ में, आफ्टर का यूज होता है बाद के संबंध में। जैसे मैं आपसे कहूं कि आई विल मीट यू डैश 10, यानी कि आफ्टर 10, आपका अर्थ क्या निकलेगा कि मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा। बाकी 10 में आप एएम पीएम कुछ भी जोड़ सकते हैं तो वो आपका जो है वो हो जाएगा, या मैं उनके बाद पहुंचा, आई रीच्ड आफ्टर देम, इस टाइप से भी आपका आफ्टर का यूज होता है। एक और कंडीशन होती है इसकी आफ्टर में आपकी, वो होती है कि किसी के पीछे पड़ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा, किसी के पीछे पड़ना। जैसे आप देखते हैं कि पुलिस का चोर के पीछे पड़ना, पुलिस चेजिंग थीफ चेज समवन, इस टाइप वाली जो कंडीशन पर बेस्ड आपके आते हैं उसमें भी आपका आफ्टर जो है वो यूज होता है। या एग्जाम्पल से इसी को देखें तो आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर फॉर गेटिंग सम हेल्प, यानी कि मैं मदद पाने के लिए अपने प्रोफेसर के पीछे जो है वो पड़ गया था। तो इस प्रकार से बहुत से एग्जाम्पल इसमें बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका, वो है अगेंस्ट। अगेंस्ट की अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है कि विरुद्ध जो है उसके सेंस में। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आप क्या कह सकते हैं, राम, वाई इज राम अगेंस्ट यू, यानी कि राम तुम्हारे विरुद्ध क्यों है। तो जहां पर विरुद्ध या विरोध की बात होती है तो वहां पर आपका अगेंस्ट जो है वो यूज होता है। देखते हैं नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है आपका अबाउट। ये सभी आपके छोटे छोटे हैं तो इसलिए वन लाइन में ही मैं आपको समझा रहा हूँ। अबाउट का अगर अर्थ की बात करें तो बारे में किसी के हम जब बात करते हैं तो वहां पर उस सेंस में यूज होता है। जैसे आप कहते नहीं है कि टेल मी अबाउट योर सिटी, टेल मी अबाउट योर सक्सेस, कि अपनी सफलता के बारे में बताओ, अपने शहर के बारे में बताओ, तो वहां पर हम के बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट वहां पर इसीलिए आपका यूज हो जाता है। तो हमने जितने भी आपके आ सकते थे सभी जो है वो देख लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट करते हुए फोर्थ सेमेस्टर पर बढ़ते हुए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं प्रपोजिशन से या फिल इन द ब्लैंक्स पर बेस्ड, वो जो है वो फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा, मैं यहाँ पर सेंटेंस जो है वो लिख देता हूँ। सेंटेंस है आपका, ही इज डैश स्लो टू विन द रेस। ये आपका था और ब्रैकेट में आपका टी डबल ओ और कॉमा टू इस टाइप से दे रखा था। डीएलएड जो है इसके सेकेंड सेमेस्टर के 2019 जो है उसके प्रथम बार के पेपर में आया था। तो जल्दी से बताइए टी डबल ओ और टू में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका टी डबल ओ वाला आएगा। ध्यान रखिएगा जब सेंटेंस को आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो स्लो टू लिखा हुआ है जो, इसके साथ हमारा हमेशा आपका टी डबल ओ वाला टू आता है, दोनों जगह आपका टू जो है वो नहीं होता है। ये इसकी कंडीशन होती है, यानी कि ही इज टू स्लो टू विन द रेस, ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में आपका यही है, दूसरा भी इसके बाद आपका नहीं, फिर हम फोर्थ सेमेस्टर के देखेंगे। तो ये आपका है आई विल, क्योंकि हम जो ये टॉपिक देख रहे हैं ये सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों का संयुक्त रूप से देख रहे हैं, दोनों में इंग्लिश आती है, दोनों में ही लगभग सेम जो है आपका कोर्स भी है, इसीलिए हम सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों का साथ देख रहे हैं। प्रश्न आपका आया था डीएलएड जो है इसका 2019 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था और कब, सेकेंड सेमेस्टर में, उसमें जो है वो पूछा गया था। तो सबसे लेटेस्ट का इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि इससे पहले वाले तो पेपर वेपर सब हम सॉल्व करा चुके हैं तो वहां देख लिए थे। तो बताना है आपको आई विल सी यू डैश 4:15 PM आपका कौन सा जो है वो सही होगा। यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा था, आपको खुद से जो है वो सोचना है जो मैंने कंडीशन बताई है पिछले दो प्रपोजिशन के पार्ट में और इस तीसरी प्रपोजिशन में, और आपको छाटना है कि आपको सोचना है यहाँ पर क्या जो है वो फिल होगा। तो चलिए बात करते हैं अब आंसर की। तो आज ही के इस पार्ट में मैंने आपको ये पढ़ाया भी था कि जब बात की जाए किसी निश्चित समय की, मैंने क्या कहा था कि जैसे आई वॉज बॉर्न एट टू आपका, यानी कि मैं 2 बजे पैदा हुआ, तो वहां पर निश्चित समय की बात की जा रही है।
विद पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है तो वहां पर आपका एट आता है, तो यहाँ पर आपका एट जो है वो आ जाएगा। मैंने एग्जाम्पल भी आपको देकर बताया था, जैसे एट 2 o'clock हो गया या एट 4 PM हो गया, इस टाइप से, तो यहाँ पर आपका एट जो है वो आ जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की, उसमें जो पूछे गए थे प्रश्न उनकी। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, तो सबसे पहला अगर सेंटेंस की बात करें तो 2018 में आपका आया था और सेंटेंस आपका इफ से स्टार्ट था। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू, और यहाँ पर दो बिलिंदा ब्लैंक्स दे रखे थे और आगे जो है वो पास्ट जो है वो लिखा था। तो ये आपका एक एक प्रकार से आप सेंटेंस कंप्लीट करने के सेंस में कह सकते हैं। बात हम तो प्रपोजिशन की कर रहे हैं पर आपका फिलिंदा ब्लैंक्स से ही आया, तो मैंने आपसे कहा कहा कि फिलिंदा ब्लैंक्स हो गया या प्रपोजिशन से, दोनों जो टाइप के प्रश्न आए हैं उनको हम इसमें कुछ देख लेते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको अंदाजा लग जाएगा। तो ये आपका फोर्थ सेमेस्टर में जो है वो पूछा गया था। तो बात करते हैं चलिए आप आंसर की। तो इफ यू हैड वर्क हार्ड यू, यहाँ पर आपका वुड हैव पास्ट आएगा। मैंने सारे टेंस वगैरह इसीलिए पढ़ा दिए थे, कहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कहाँ पर कौन सी चीज आएगी, वो सारी मैंने क्लियर जो है वो कर दी थी। अब बात करते हैं प्रपोजिशन ही पर जो आपका प्रश्न पूछा गया था उसकी। प्रपोजिशन पर प्रश्न आपका पूछा गया था ही कॉन्ग्रेचुलेटेड He congratulated me dash my success, ये जो है आपका sentence था और इसमें पूछा गया था DLED जो है उसके 2018 के जो है वो फोर्थ सेमेस्टर के पेपर में। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से जो है वो क्या जो है आपका फिल होगा। इनमें से क्या मतलब, कोई ऑप्शन तो है नहीं, आपको जितना मैंने पढ़ाया उनमें से क्या फिल होगा ये आपको जो है वो बताना है। तो चलिए बात करते हैं अब आंसर की। तो क्या यहाँ पर फिल आएगा, बिल्कुल यहाँ पर ऑन जो है वो फिल आएगा। इससे पहले के पार्ट में मैंने सारी चीजें बता दी थी कैसे कैसे क्या सारी कंडीशन जो है वो होती हैं। तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो प्रश्न आया था, सेंटेंस में आपका लिखा हुआ था कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, और सेंटेंस आपका इस प्रकार से था कि ही इज इल डैश फीवर, इस प्रकार से आपको फिल करना था। प्रश्न आया था 2019 में फोर्थ सेमेस्टर में और उसके साथ साथ DLED में। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। मैं लगभग 5 से 10 सेकंड का इसलिए समय दे रहा हूँ कि ताकि आप सोच सकें और जल्दी से कमेंट में टाइप कर सकें। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। इसको भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, फ्रॉम आपका जो है वो आएगा, से का सेंस लगता है के लिए, आपका फॉर में लगता है पर फ्रॉम में से का सेंस आता है। जैसे कि अंकित हैज कम फ्रॉम दिल्ली, इंडिया हैज टेकन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। मैंने आपको एग्जांपल भी एक इस प्रकार से बताया था कि भारत ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, तो यहाँ पर ही इज इल फ्रॉम फीवर आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो देखते हैं एक और अगला और इस वीडियो का लास्ट जो है वो प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। और ये जो प्रश्न है वो आपका सन 2019 में ही पूछा गया था फोर्थ सेमेस्टर DLED में और बहुत ही अच्छा सेंटेंस था। सेंटेंस था आपका क्या, ही क्वेरल्ड QUARRELED, स्पेलिंग का सदैव याद ध्यान रखिएगा, ही क्वेरल्ड डैश ए ट्राइबल TRIVIAL मैटर, ये जो है आपका सेंटेंस था 2019 फोर्थ सेमेस्टर DLED के पेपर में जो है वो पूछा गया था। अब जल्दी से सोचिए, जल्दी से बताइए कि कौन सा यहाँ पर जो है वो फिल होगा, इसका अर्थ क्या निकलेगा, वो अगर आप निकाल ले जाएंगे तो आप आसानी से जो है वो कर लेंगे। बात करते हैं चलिए अब आंसर की। तो यहाँ पर आपका फिल होगा ओवर। ओवर के सेंस में मैंने क्या बताया था कि ऊपर के सेंस में इसका भी यूज होता है पर कोई चीज टच ना करे, जैसे मैंने आपको बताया था कि द क्लॉक इज ओवर मधुर हेड, इस टाइप से इसके एग्जाम्पल जो है वो होते हैं कि घड़ी मधुर जो है उसके सिर के ऊपर है, इस सेंस में यूज होता है और अलग अलग सेंस में यूज होता है। पर अगर इस सेंटेंस की मीनिंग की बात करें तो आप क्या कहेंगे कि ही क्वारल्ड, ही मतलब उसने, क्वारल्ड मतलब जो है लड़ाई की, ओवर आ यानी ट्राइवल मेथड, ट्राइवल जो है वो मैटर यानी कि
वो एक तुच्छ से टॉपिक को लेकर या तुच्छ सी बात को लेकर, हम कहते नहीं कि आप, बहुत से लोग कहते हैं कि अरे तुमने इतनी छोटी सी बात पे लड़ाई कर ली, तो बस उसका यही मेन मतलब इसका, इस सेंटेंस का अर्थ जो है वो निकलेगा कि ही क्वारल्ड ओवर अ ट्राइवल मैटर। ट्राइवल का मतलब ही होता है तुच्छ जो है, तो यहाँ पर आपका ओवर जो है वो आ जाएगा। तो सभी लगभग मैंने जो लेटेस्ट के आ चुके हैं प्रश्न वो जो है वो करा दिए। अब मैं एक प्रश्न आपसे भी पूछूंगा, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, पर उस प्रश्न को पूछने से पहले सेंटेंस पूछा था, और वो सेंटेंस था द फैन इज डैश माई हेड, ये मैंने जो है वो पूछा था। और बात करें आंसर की, तो यहाँ पर ओवर जो है वो फिल होगा जिसने, यहाँ पर मैंने वही चीज अभी जो आपको बताई कि जब कोई चीज आपके ऊपर आ रही हो, टच आपको ना करे, जैसे फैन इज ओवर माई हेड, यानी कि जो पंखा है मेरे सिर के ऊपर है, वो टच तो कर नहीं रहा है, तो वहां उस सेंस में आपका ओवर जो है वो यूज होता है। तो सारी चीजें हमने देख ली, जैसे कि मैंने बताया था कि सभी वीडियो में हम एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो में हम प्रश्न पूछेंगे डीएलएड चौथे सेमेस्टर में फरवरी 2021 में जो आपका पेपर हुआ था, प्रपोजिशन से जो क्वेश्चन आए थे वो हम यहाँ पर जो है वो पूछेंगे। पर उस प्रश्न को देखने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये हैं आपके दो प्रश्न। पहला है ही वॉज असेम्ड डैश हिज डर्टी हैंड्स, तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी। और दूसरा है ए मदर हैज अ ग्रेट अफेक्शन डैश हर चाइल्ड, दूसरी जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर जो है वो क्या आएगा। तो ये दोनों जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी, अपना आंसर तो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। और जो डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर के पेपर है वो आपके समाप्त हो चुके हैं, तो एक और टाइमिंग आपकी हम इसी में अब इंक्लूड करेंगे, जो आपकी दोपहर के 3 बजे होगी या और भी कोई टाइमिंग होगी हम उसको आपको बता देंगे। तो आज के में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।